दांव 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका वाड्रा के ऐलान के बाद सुलगी सियासत, बीजेपी ने किया पलटवार। रीता बहुगुणा जोशी बोली, मुझे कांग्रेस में मिला अपमान। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी जिंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। प्रियंका वाड्रा के ऐलान के बाद मायावती ने भी कांग्रेस को घेरा, पूछा क्यों नहीं लागू किया 33% आरक्षण। प्रियंका वाड्रा के ऐलान पर संभलकर बोली समाजवादी पार्टी, कहा हमने हमेशा से दिया महिलाओं को सम्मान। महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, उनके अधिकार सुरक्षित सुनिश्चित रहे, समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से इसके लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव लड़ने के सवाल को टाल गईं प्रियंका वाड्रा, कहा अभी वक्त है, जल्द ले लूंगी फैसला। यूपी में प्रियंका वाड्रा ने जारी किया कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं के हथियार से होगा विरोधियों पर वार। लखनऊ के दौरे पर हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, अलग अलग जिलों से आई महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रियंका वाड्रा ने इशारों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेरा, कहा पिछले 2 सालों से लगातार लड़ रही है कांग्रेस। आप 2 साल से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लड़ता हुआ कौन दिख रहा है, कौन सी पार्टी दिख रही है? आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप बसपा की आपने बात नहीं की, लेकिन दूसरी विपक्ष का दल है, लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? कल यूपी के कुशीनगर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। कल से कुशीनगर एयरपोर्ट की होगी शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। लोकसभा से टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा, मौका देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा। दिल्ली में बीजेपी के सेवा ही संगठन है कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से T20 मुकाबले को लेकर जारी है सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले विरोधियों को किसी सूरत में चैन नहीं आता। जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर शिवसेना ने भी दागे सवाल, आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को दी नसीहत। आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल दागे, रणदीप सुरजेवाला बोले कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के हवाले कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे वहाँ हमारे सिख भाई बहन हो और चाहे वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की खबर। श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन, हाल की आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी। आतंकी घटनाओं के बाद श्रीनगर में बढ़ी सुरक्षा, लाल चौक पर सीआरपीएफ ने महिला जवानों को भी तैनात किया। बढ़ते आतंकी हमलों के बीच 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, मेंढर में सैन्य कार्रवाई का निरीक्षण किया। मेंढर के जंगल वाले इलाके में 9 दिनों से सुरक्षा बलों ने कर रखी है आतंकियों की घेराबंदी, स्थानीय लोगों को घर के भीतर रहने के दिए गए हैं निर्देश। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल, घर वापसी के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर उमड़ रही है भीड़। NIA करेगी श्रीनगर में आतंकी वारदातों की जांच, आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को बनाया था निशाना। आतंकियों के आका पाकिस्तान को बड़ा झटका, अगले सत्र तक FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। उत्तराखंड में जारी है कुदरत का कोहराम, भारी बारिश और भूस्खलन में अब तक 34 की मौत। सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं,
और भूस्खलन हुआ है, जनहानि भी हुई है, 34 लोग अभी तक जो है इसमें हमारे खत्म हो गए हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वे, डीजीपी के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर जारी है राहत बचाव कार्य, आर्मी और एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, एनडीआरएफ की भी 15 टीमें तैनात। रामनगर में आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से 2 दर्जन से ज्यादा गांव वालों को किया गया रेस्क्यू, 48 घंटों से नदी के बीचों बीच फंसे थे लोग। उत्तराखंड के पंतनगर में 3 जगहों पर फंसे हैं 25 लोग, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की मदद से वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। नैनीताल से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, भारी बारिश की वजह से जलमग्न हुआ मॉल रोड। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बरसात के बाद बढ़ा झील का स्तर, 12 इंच गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाके में आफत आई। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ की टीम ने 30 ट्रैकरों को रेस्क्यू किया, भूस्खलन की वजह से बंद हुए हाईवे। ऋषिकेश में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, शिव जी की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही है गंगा, जल पुलिस की तैनाती। सोनप्रयाग में फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया, केदारनाथ दर्शन के बाद वापस जा रहे थे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर जलमग्न हुई शिव की मूर्ति, मकानों की दूसरी मंजिल तक पहुंचने वाला है पानी। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा को जाने वाला एकमात्र बॉर्डर रोड बंद, तपोवन में भूस्खलन के चलते फैसला। चमोली में भरभरा कर टूटा आशियाना, जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच 6 जगहों पर हाईवे बंद। पिथौरागढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने मचाई तबाही। काठगोदाम में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान, 11 ट्रेनों की आवाजाही पर असर। पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी इलाकों में आफत, बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी, दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बिगड़े हालात, किच्छा नदी में बांध से छोड़ा गया पानी, गांव वालों में मची भगदड़। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश, शहर में कई जगहों पर जलजमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश, चंबल के चारों बांधों से पानी की निकासी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर वीएचपी आग बबूला, कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। कल शाहरुख खान के बेटे के बेल पर फैसला सुना सकता है सेशन कोर्ट, पूरी हो चुकी है दोनों तरफ की दलील। आर्यन की जमानत पर फैसले से पहले मांगी गई दुआ, दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में रिहाई की मन्नत। विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, टीडीपी नेता के दफ्तर में तोड़फोड़। अयोध्या पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, रामलला के भी दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक के विवादित बोल, हिंदुओं को चादर और फादर से दूर रहने की नसीहत दी। इंदौर में जल्द हो सकती है कांग्रेस के विधायक के बेटे की गिरफ्तारी, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। लखीमपुर हिंसा में 16 चश्मदीद के बयान दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपियों की शिनाख्त के लिए तस्वीरें जारी। दिल्ली में कंट्रोल में है कोरोना, लेकिन अक्टूबर में 3 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना के खिलाफ देश में जारी है वैक्सीनेशन, अब तक 98,67,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। हरियाणा में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, अंबाला में मरीज एक्टिव, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार। राजस्थान में भी जारी है डेंगू का कहर, सरकार ने कैंसिल की स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां। दिल्ली में चाकू मारकर 22 साल की लड़की की हत्या, सनकी आशिक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। संत कबीर नगर में जुलूस के दौरान पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 बच्चे की मौत। अमेठी में डंपर गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा, मौके पर 1 युवक की मौत, एम्बुलेंस के देर से पहुंचने पर दूसरे की अस्पताल में जान गई। मुंबई के कांदिवली में फिल्मी अंदाज में पुलिस ने चोर को दौड़ा कर पकड़ा, सीसीटीवी में तस्वीरें। मुजफ्फरनगर में गोली मारकर कारोबारी की हत्या, उधार के पैसे मांगने पर वारदात को अंजाम दिया। अंबाला पुलिस ने फिर पकड़ी लाखों की हेरोइन, 2 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से हो रही थी नशे की सप्लाई। शाहजहांपुर में वकील की हत्या के बाद बढ़ाई गई कोर्ट की सुरक्षा, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है कड़ी नजर।
हरदा में चादर बेचने के नाम पर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 2 लाख रुपए के जेवर बरामद। मुरादाबाद में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लटका मिला मेडिकल छात्रा का शव, एमडीएस की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी वैशाली चौधरी। ठाणे के ऑर्केस्ट्रा बार में जमकर हंगामा हुआ, एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग गिरफ्तार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर रेलवे ने लॉन्च किया रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, रेल कोच को दिया गया है नया लुक। चेन्नई पहुंची एनएसजी की ब्लैक कैट रैली, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को अमित शाह ने दिल्ली से रवाना किया था। 7 दिन बाद बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 50 पॉइंट गिरकर 61,716 पर, निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,418 पर बंद। बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन डीएफएस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार की मौजूदगी में योजनाओं की जानकारी दी गई। नोएडा के सेक्टर 71 में ईला फाउंडेशन ने लगाया फ्री हेल्थ कैंप, डॉक्टर भावना नवीन ने गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की। कोयले के 4 दिन के स्टॉक वाले पावर प्लांट्स की संख्या घटकर 61 पर आई, एक हफ्ते पहले 70 पावर प्लांट्स के पास था 4 दिन का स्टॉक। आरबीआई ने एसबीआई पर लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी लगाया गया 1.95 करोड़ का जुर्माना। सितंबर में देश में 70 लाख से ज्यादा यात्रियों ने की हवाई यात्रा, सितंबर 2020 के मुकाबले 79% ज्यादा लोगों ने किया हवाई सफर। 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, बुके में चैनल की अधिकतम कीमत 12 रुपए तय करने के ट्राई के फैसले का असर। दिल्ली में सीआईपीएल संस्था ने जरूरतमंद छात्रों को फ्री में बांटे टैबलेट, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद, छात्रों का हौसला बढ़ाया। मुंबई में अपनी फिल्म धाकड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, खुद को बताया धाकड़। एकता का संदेश देते हुए बुध से रवाना हुई गुजरात पुलिस की मोटरसाइकिल रैली, 1,170 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगी केवड़िया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज, पहले वार्म अप मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। उत्तर कोरिया ने जापान तट के पास समुद्र में फिर किया मिसाइल परीक्षण, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जानकारी दी। परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका के दबाव के बाद ईरान में राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा पहले हटाना होगा प्रतिबंध।